हेलो फ्रेंड्स, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस में यूनिट 13 का इम्यूनोटेक्निक्स का एलाइजा टॉपिक का ये फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इम्यूनोटेक्निक्स क्या होता है वो देखा था। फर्स्ट पार्ट में एलाइजा जो होता है टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है और बेसिकली एलाइजा के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज़ में आती हैं वो हमने देखा था। सेकेंड पार्ट में एलाइजा प्रिंसिपल देखा था और उसके स्टेप्स देखे थे। थर्ड पार्ट में हमने एलाइजा के टाइप्स स्टडी किए थे। सारे जो टाइप्स थे वो एनिमेटेड थे तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड थे। एंड ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम एलाइजा से रिलेटेड रिजल्ट का इंटरप्रटेशन और हमारा जो फेवरेट पार्ट है सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस के प्रीवियस ईयर के एलाइजा से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एलाइजा का फोर्थ पार्ट। एलाइजा का रिज़ल्ट किस तरह से होता है? एलाइजा के जो रिजल्ट्स होते हैं वो तीन डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब आप तीन तरह से रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? आपको क्वांटिटी पता चलती है कि एंटीजन किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है या कोई एंटीबॉडी किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं और ये स्टैंडर्ड कर्व विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टैंडर्ड कर्व बना हुआ है ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू से। फिर आपका सैम्पल की वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे मैच करती है उसके हिसाब से आपको उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाती है कि सैंपल में एक एंटीजन किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है या एक एंटीबॉडी किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्वालिटेटिव वाली फॉर्म देख लेते हैं। एलाइजा जो है इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि एंटीजन प्रेजेंट भी है या नहीं है सैंपल में। तो अगर कलर आया, क्वालिटी का मतलब क्वांटिटी नहीं फाइंड आउट आप कर रहे हो, क्वालिटी। अगर वेल में कलर प्रोड्यूस हुआ है तो एंटीजन प्रेजेंट है और अगर नहीं है तो एंटीजन एब्सेंट है, तो ये क्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए। सेमी क्वांटिटेटिव में आप क्या करते हो, कंपेयर कर रहे होते हो। मतलब ना ये क्वालिटी प्रेजेंट या एब्सेंस भी नहीं देख रहे, कलर के शेड से आपको पता चलता है कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये कंपैरिजन प्लेट है, इसमें आपको पता चल जाता है कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या इसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और इसकी जो इंटेंसिटी है, कलर की इंटेंसिटी, वो डिसाइड करती है सेमी क्वांटिटेटिव मेथड। प्रिकॉशंस आपको क्या क्या देखनी होती है। कभी कभार क्या होता है कि जो आपका नेगेटिव कंट्रोल होता है वो स्ट्रांग सिग्नल दे रहा होता है। मतलब नेगेटिव कंट्रोल का मतलब आपका जो कंट्रोल है उसमें कलर डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो अब कलर दिखा रहा है, स्ट्रांग सिग्नल शो कर रहा है। ऐसा क्यों शो कर रहा होता है? ऐसा इसलिए शो कर रहा होता है क्योंकि या तो आपने वेल्स को प्रॉपरली वॉश नहीं किया है या फिर आपने डाइल्यूटेड रिएजेंट्स को यूज़ नहीं किया या फिर आपने ब्लॉकिंग सही से नहीं की है या फिर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो गई, गलत जगह जो है हमारी एंटीबॉडीज़ बाइंड हो गई है या फिर क्रॉस रिएक्टिविटी प्रोड्यूस हुई है। पॉजिटिव कंट्रोल विद नो सिग्नल, अभी आपका जो कंट्रोल है, आपने जो कंट्रोल लिया है इसमें वो पॉजिटिव था लेकिन वो तो सिग्नल ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब कलर ही नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों है ये हम देख लेते हैं। इसका रीज़न, आपके जो माइक्रोवेल के प्लेट्स थे वो प्रॉपरली कोट नहीं हुए थे या फिर जो रिएजेंट आपने अप्लाई किया था वो रॉन्ग ऑर्डर में अप्लाई किया गया, पहले दूसरी चीज़ डाल दी फिर दूसरी चीज़ डाल दी या सही तरह से नहीं अप्लाई किया गया। सेकेंडरी एंटीबॉडी ने प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ मैच नहीं किया और जो एंजाइम थी वो डिफेक्टिव थी या इनहिबिट हो गई कंटामिनेशन के कारण। थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं कि एलाइजा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन कलर बहुत लाइट है, वीक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। तो वॉश बफर आपने प्रॉपरली ड्रेन नहीं किया है, वॉश स्टेप्स सही नहीं किए, इनएडिक्वेट इंक्यूबेट प्रॉपरली नहीं किया, इंक्यूबेशन का टाइम भी बहुत प्रॉपर रिक्वायर्ड होता है इसमें। सबस्ट्रेट जो है वो आपने डिफेक्टिव यूज़ किया है या कंटामिनेटेड सबस्ट्रेट यूज़ किया है और इसके अंदर एंजाइम कॉन्जुगेट डिफेक्टिव है या इनहिबिटेड है। माइक्रोवेल प्लेट्स पुअरली कोटेड है और जो एंटीबॉडी है वो लॉस हो गई है ब्लॉकिंग या वॉशिंग के कारण। एलाइजा को किन किन चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं? आप हार्मोन के लेवल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो,
प्रोटीन की कंसंट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। डायग्नोस्टिक में यूज़ कर सकते हो कि एक वायरस कितना प्रेजेंट है या बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, पैरासाइटिक, फंगल, कोई भी इन्फेक्शन आपको स्टडी करना है उसमें आप एलाइजा यूज़ कर सकते हो। ड्रग मेकर्स मार्कर जो होते हैं वो हम आराम से इसमें स्टडी कर सकते हैं। ट्यूमर मार्कर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, सीरम में प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए, वैक्सीन का क्वालिटी कंट्रोल देखने के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए, कोई भी रैपिड टेस्ट आप लगा रहे हो उसके लिए, सीरम में IgG, IgM और IgA के लेवल टेस्ट करने के लिए, न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग के लिए और क्लिनिकल रिसर्च में। ये डिफरेंट एलाइजा के टेक्निक्स हैं, मतलब एप्लीकेशंस है। एडवांटेज हम देख लेते हैं, एलाइजा के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। जो भी रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं बहुत सस्ते होते हैं और इनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है। एलाइजा बहुत ही स्पेसिफिक होता है एज वेल एज हाईली सेंसिटिव होता है। आप इसमें कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं यूज़ कर रहे तो इसमें रेडियो एक्टिव हैजार्ड्स भी नहीं होते और इजी टू परफॉर्म होता है, आसानी से जल्दी कर लिया जाता है। इक्विपमेंट इनएक्सपेंसिव होते हैं, आसानी से अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एलाइजा का ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? एलाइजा टेक्निक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एंजाइम एक्टिविटी का जो मेजरमेंट है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जबकि अगर हम रेडियो एक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप तो वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। एंजाइम एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती हैं प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से। किट जो होते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल तो होते हैं बट इतने सस्ते भी नहीं होते। जो ये है बहुत ही स्पेसिफिक होता है सिर्फ एक एंटीजन के लिए, दूसरे एंटीजन के लिए आपको दूसरा किट यूज़ करना पड़ेगा। कभी कभार ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है म्यूटेटेड या ऑल्टर्ड एंटीजन के केसेस में। नाउ लिमिटेशंस हम देख लेते हैं एलाइजा की। एलाइजा की जो लिमिटेशंस है ये क्या क्या हैं? तो एलाइजा की अगर हम लिमिटेशंस देखेंगे, एलाइजा की हम लिमिटेशंस देख रहे थे तो एलाइजा की जो लिमिटेशंस है वो है, रिजल्ट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, एंटीबॉडी इसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, एंटी कंसंट्रेशन अनक्लियर भी हो सकती है और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। ये एलाइजा की लिमिटेशंस है। हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2009 जून का है। ओ फिनाइल डायअमीन क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट के जैसे किस टेक्निक में यूज़ किया जाता है? इसका बहुत ईजी आंसर है एलाइजा, हमने पढ़ा भी था ओ फिनाइल डायअमीन के लिए। एलाइजा ऐसे किन चीज़ों को यूज़ करती है? ये एक ऐसी एंजाइम्स को यूज़ करती है जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट होती है। अब आप खुद सोचो क्या एंजाइम सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट हो रही थी? नहीं, रॉन्ग ऑप्शन है। एक ऐसी एंजाइम यूज़ करती है जो एंटीजन के एंजाइम एंटीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। थर्ड ऑप्शन है सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा था कलर्ड प्रोडक्ट के अंदर। ये करेक्ट ऑप्शन है। आपने रेडियो लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ की थी, गलत है। आपने तो एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी यूज़ की थी। तो आंसर क्या है आपका? इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 जून के अंदर आया था। बायोटिनाइलेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी एलाइजा में क्यों यूज़ की जाती है? सेंसिटिविटी इंक्रीज अगर यूज़ की जाए तो वो ऐसे की असेसमेंट की सेंसिटिविटी तो इंक्रीज़ करेगा लेकिन स्पेसिफिसिटी कम कर देगा। दूसरा ऑप्शन है सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करेगा लेकिन स्पेसिफिसिटी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन है ना सेंसिटिविटी ना स्पेसिफिसिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा और दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। ये फोर्थ ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है? बी, क्योंकि इसके अंदर सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है और स्पेसिफिसिटी कम नहीं होती है, तभी हम बायोटिनाइलेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज़ करते हैं। 2016 दिसंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन सी टेक्निक में ऑप्टिकल मेजरमेंट रिक्वायर्ड नहीं है? ऑप्टिकल मेजरमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट है। एलाइजा में, माइक्रोएरे में, फ्लो साइटोमेट्री, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री। तो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में आपको ऑप्टिकल मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट ODE की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 2015 जून का क्वेश्चन। एक रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है कि सीरम में प्रोटीन लेवल कितना है, किस तरह से चेंज हो रहा है, जिसके लिए उसके पास में एंटीबॉडीज़ भी अवेलेबल है। तो वो इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करेगा?
जो उसको बेस्ट एक्सप्लेन करेगा। ऑब्वियसली कौन सा यूज़ करेगा, एलाइजा। एंटीबॉडी अवेलेबल है तो कौन सा मेथड यूज़ करेगा, एलाइजा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सैंडविच एलाइजा में क्या क्या चीज़ कैप्चर की जाती है। सैंडविच एलाइजा में एंटीबॉडी, एंटीजन, एंजाइम या नाइट्रोसेल्यूल्स। तो इसका आंसर आपको पता है एंटीजन था, बीच में सैंडविच क्या बना था, एंटीजन बना था। 2009 दिसंबर का क्वेश्चन था ये। तो ये जो था ये हमारा एलाइजा टेक्निक से रिलेटेड था। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 13 का इम्यूनो टेक्निक्स, और जो हम सेकंड टेक्निक पढ़ेंगे वो है रेडियो इम्यूनो एसे। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।